दिल्ली एमसीडी चुनाव में पहली बार हुई किन्नर की एंट्री। दिल्ली को मिला पहला किन्नर पार्षद। बॉबी किन्नर ने बीजेपी कांग्रेस को हराकर इतिहास में दर्ज किया अपना नाम। माँ बाप ने छोड़ा, गुरु ने पाला, जानिए कौन है बॉबी किन्नर। दिल्ली एमसीडी चुनाव में इस बार कई तरह से इतिहास बना। आम आदमी पार्टी ने जीत का परचम लहराया तो आम आदमी पार्टी के ही एक कैंडिडेट ने देश का ध्यान अपनी तरफ खींच दिया। ये और नहीं बल्कि किन्नर उम्मीदवार हैं। आम आदमी पार्टी के ट्रांसजेंडर उम्मीदवार बॉबी किन्नर ने सुल्तानपुरी ए वार्ड 43 से जीत दर्ज की है। बॉबी किन्नर ने कांग्रेस उम्मीदवार वरुणा ढाका और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार एकता जाटव को मात दी। दिल्ली नगर निगम के इतिहास में बॉबी किन्नर पहली सदस्य होंगी जो दिल्ली नगर निगम के सदन में पहुंच रही हैं, यानी पहली बार कोई ट्रांसजेंडर समुदाय किसी वार्ड का प्रतिनिधित्व करेगा। बचपन में बॉबी किन्नर को लोगों ने बेहद परेशान किया। 15 साल की उम्र में किन्नर समुदाय के गुरु ने बॉबी को अपनाया। कभी शादियों और जन्मदिन में किया नाच गाना। अचानक जिंदगी में आया एक परिवर्तन। एमसीडी चुनाव में जीत हासिल करने वाली बॉबी का शुरुआती जीवन बेहद संघर्षपूर्ण रहा है। उन्हें बचपन में बहुत परेशान किया जाता था। 14 से 15 साल की उम्र में उन्हें ट्रांसजेंडर समुदाय के गुरु ने अपना लिया। आज सुल्तानपुर माजरा के निवासी बॉबी को प्यार से बॉबी डार्लिंग कहते हैं। शुरुआत में बॉबी शादियों और जन्मदिन में नाचती गाती थी। 21 से 22 साल की होने पर वो एक एनजीओ से जुड़ गईं। वहीं उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। यहीं से उनके सामाजिक कार्यकर्ता बनने की शुरुआत हुई। वो वंचित बच्चों और ट्रांसजेंडर्स के लिए काम करने लगी। बॉबी किन्नर का कहना है, मैंने अपने जीवन में अपमान का सामना किया है लेकिन मैंने कभी सपना देखना नहीं छोड़ा। मुझे उम्मीद है कि मेरे जैसे ट्रांसजेंडर लोगों को एक दिन समाज में सम्मान जरूर मिलेगा। मुझे पता है ट्रांसजेंडर लोगों को अभी भी हेय दृष्टि से देखा जाता है। बहुत कुछ किया जाना है लेकिन ये पहला कदम है। कहते हैं अपने कर्मों को इतिहास बनाना है तो जमाने के उलट धारा में चलना ही होगा, संघर्ष तो करना ही होगा। बॉबी किन्नर की जिंदगी के संघर्षों का फल यह है कि वो दिल्ली एमसीडी के इतिहास में पहला किन्नर पार्षद बन रहे हैं। ये पहली बार होगा जब दिल्ली में कोई किन्नर पार्षद अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करेगा।